दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस फॉर यू में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं गर्म पानी के पीने से, क्या क्या लाभ होते हैं गर्म पानी के पीने से, वैसे ही आज हम आपको बताएंगे कि आखिर हम क्यों गर्म पानी ना पिए। जी हाँ, सही पहचाना आपने, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं गर्म पानी के, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल, एक होती है जीत, एक होता है हार, एक होती है अच्छाई, एक होती है बुराई। तो उसी प्रकार गर्म पानी पीने के भी बहुत रीजन्स हैं साइंटिफिक तरीके से, और बहुत रीजन इसकी विरोध करते हैं कि आखिर गर्म पानी हम क्यों ना पिएं। क्योंकि आपका चैनल साइंस फॉर यू है, तो हमारा उद्देश्य ही, हमारा कर्तव्य है कि आपको हम बताएं सही गलत में डिफरेंस दे सकें, आपको हम दोनों चीज़ों को बताएं कि आखिर ये काम क्यों करें और क्यों ना करें, ताकि हम दोनों चीज़ों पे मिलके कपट पकड़ बना के सकें और हम दोनों का ज्ञान रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। टॉपिक को शुरू करें उससे पहले अपने सभी नए दोस्तों से अनुरोध है, जो कि फर्स्ट टाइम जुड़े हमारे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पाएं मेडिकल की सबसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल साइंस फॉर यू पे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर में 70% पानी होता है। हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 3 से 5 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। इसके अलावा आपने बहुत से लोगों से कहते हुए सुना होगा, टीवी में देखा होगा, हमने भी बताया था कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए और ये शरीर की बड़ी सी बड़ी बीमारियों को दूर करता है, पिंपल्स जैसी बड़ी बीमारियाँ, ठीक है, और आपकी पेट की समस्याएँ सबको दूर करता है, स्किन में ग्लो लाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिर हमें गर्म पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। तो आपको दोस्तों कुछ ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं गर्म पानी पीने से जो हमें ना चाहते हुए परेशान करती हैं। वैसे ये होती बहुत रियल केसेस में है, लेकिन हमें जानना चाहिए दोनों चीज़ों को। आज आपको हम बताएंगे कि आखिर हमें क्यों नहीं पीना चाहिए गर्म पानी और क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर दोस्तों। दोस्तों पहला हमारा है ओठों में जलन। जी हाँ, आप सभी जानते हैं जब आप गर्म पानी पीते हैं तो पानी इस पर पहले हमारे ओठों को टच करता है। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर के बराबर नहीं है तो इस केस में ओठों के जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैक्सिमम केसेस में होता क्या है कि हमने सुना गर्म पानी पीना, तो हम उस फ्लो में आके गर्म पानी को पी लेते हैं जो कि टेम्परेचर बॉडी से ज़्यादा होता है। तो इस केस से बचने के लिए हमें गर्म पानी पहले बॉडी टेम्परेचर की इक्वल लाना होगा, फिर पीना होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब पानी पिए तो हमें छोटे छोटे घूंटों में पीना चाहिए, एक बार बोतल टपकी और अंदर के लिए, ये एक तरीका बहुत गलत होता है। दोस्तों दूसरा क्या है, इंटरनल अंगों का जलना, आंतरिक अंगों का जलना। जी हाँ, जैसे कि हमने बताया आपको कि जब बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है, आपके स्किन का जो आउटर सरफेस है उसका टेम्परेचर अलग है और इंटरनल ऑर्गन्स का अलग है। जब आप पानी पीते हैं तो बाहरी टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर, जब कि आप शरीर के आंतरिक टेम्परेचरों की तुलना में कम होता है या ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि आप जो शरीर का टेम्परेचर है वो अंदर कम है और पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस केस में आंतरिक अंगों का जलना या जलन होना स्वाभाविक है। तो जब भी पानी पिए तो पहले उसको एक बार चेक कर लें अपनी फिंगर्स को डिप करके कि वो पानी इतना तो नहीं है कि हम जल जाएं, फिर पानी को छोटे छोटे घूंटों में पिए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो और पानी जब आपके अंदर पेट में जाए तब तक वो नॉर्मल अवस्था में आने की ओर अग्रसर हो चुका हो। दोस्तों तीसरा हमारा क्या है, किडनी खराब होना। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किडनी से जो है टॉक्सिन ये निकालने का काम करता है, किडनी हमारा टॉक्सिन निकालने का काम करता है। और जब हम एक्सेस पानी पी जाते हैं, जी हाँ, जब आप एक लिमिट से ज़्यादा पानी पी जाते हैं तब आपकी किडनी पर अत्यधिक प्रेशर पड़ता है, आपकी किडनी अत्यधिक काम करती है एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा, तो इस केस में आपकी किडनी के खराब होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों चौथा हमारा क्या है, प्यास लगने पर ही पिए पानी। जी हाँ, हम आप टीवी में देखते हैं कि स्किन ग्लो करती है,
स्किन पे दाग धब्बे चले जाते हैं, आपको पिंपल्स नहीं निकलेंगे, तो हम आप फ्लो में आके ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे दिमाग में बताया गया होता है कि आप पानी ज़्यादा पीजिए। लेकिन आपको बता दें कि जब आप एक्सेस गर्म पानी पीते हैं, बिना प्यास के पानी पीते हैं, तो इस केस में आपके दिमाग की नसों में सूजन होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं और आपको हेडेक भी हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्मल हेडेक गर्म पानी पीने से कम होता है, लेकिन इस केस में बिल्कुल उल्टा होता है। दोस्तों, पांचवा पॉइंट हमारा है नींद खराब होना। एक तो आधुनिक समाज में बच्चे वैसे भी कम सोते हैं, नवयुवक वैसे भी कम सोते हैं, जॉब की टेंशन, पारिवारिक टेंशन, सामाजिक टेंशन, इसके अलावा नॉर्मल होता है कि हमने न्यूज़ में पढ़ा था, हमने यूट्यूब पे देखा था गर्म पानी पीना चाहिए। उस केस में क्या करते हैं कि हम सोने से पहले, हम ऑफिस से लेट नाइट आते हैं और सोने से पहले हम गर्म पानी पीते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ छोड़ दें, क्योंकि जब आप गर्म पानी सोने से पहले पीते हैं तब वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। तो दोस्तों, ये तो कुछ हुए बेसिक डिसएडवांटेजेस, साइड इफेक्ट्स ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी क्यों ना पिए। अब आपको बता दें, एक छोटी इन्फॉर्मेशन दे दें कि ठंड का मौसम शुरू हो गया है, आप सभी थोड़ा सा ठंडक महसूस कर रहे होंगे, तो इस केस में सर्दी जुखाम का होना लाजमी है। हर व्यक्ति इससे किसी न किसी मंथ में, किसी न किसी वीक में सफ़र करता है, तो इस मौसम में गर्म पानी पीना शरीर के लिए बहुत यूज़फुल है। लेकिन इतना पीजिए जितनी आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर ले, जितना आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। बेशक ये पानी स्वाद में तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन शरीर के लिए बहुत यूज़फुल है। तो हमारी अपील है आप सभी दोस्तों से, ठंडक में कोशिश करें कि गुनगुने पानी का ही सेवन करें, लेकिन वो पानी आपके बॉडी टेम्परेचर के इक्वल होना चाहिए, ना ज़्यादा हो कि आप जल जाएं और ना एकदम ठंडा फ्रिज का हो कि आप उसको एब्जॉर्ब ना कर पाएँ। तो दोस्तों, गर्म पानी पीते रहिए, लिमिट में पीते रहिए, सभी बातों का ध्यान रखिए और मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। इन्हीं विचारों के साथ में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। एक निवेदन कर लूँ आप लोगों से कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल हमारा, तो सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को और पाएँ बायो की मेडिकल की सबसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे चैनल द्वारा दिए गए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ज्ञान का प्रवाह हर दूसरे व्यक्ति, हर तीसरे व्यक्ति तक पहुँच सके और उसको भी इन समस्याओं से, गर्म पानी ठंडे पानी पीने से हर एक खबर की जानकारी हो, तभी स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। हमारी मुहिम में हमारा सहयोग करें और वीडियो से अधिक अधिक शेयर करें। वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी दोस्तों का वीडियो का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।